डी स्टूडेंट्स ना वी आर गोइंग टू डिस्कस केस स्टडी ऑफ हग कॉलो बेसिकली ये जो केस स्टडी है ये एक शख्स के मुतल है जिसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उसका हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव क्या है लिटिल बिड ऑटोबायोग्राफी क्या है ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से वो जा परफॉर्म कर रहा है हग करोल इज़ आ मैनुफेक्चरिंग प्लांट वर्कर इन हिज ट्वेंटीज़ तकरीबा उसकी बीस से आगे की एज में ट्वेंटीज़ में वो शख्स जो प्लांट वर्कर था आर्गनाइजेशन में जॉब कर रहा था हग वॉज़ क्लीनिंग अ ब्लॉकेज फ्राम आ स्टेशनरी मशीन वैन अनदर वर्कर स्विच ऑन द मशीन स्टेशनरी की मशीन थी कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और वो जो स्टेशनरी मशीन थी उसको वो साफ़ कर रहा था तो किसी वर्कर ने पीछे से मशीन को ऑन कर दिया दिस काज द ब्लेड्स इन द मशीन टू ऑपरेट जिसकी वजह से वो मशीन के जो ब्लेड थे वो सख्त तेज़ी के साथ काम करना शुरू हो गए अग हैर टॉप्स ऑफ हिज इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर्स ऑन हिज लेफ्टेटेड उसने क्योंकि वहाँ पे हाथ रखा हुआ था जब उसके ब्लेड फ़ौरन चलना शुरू हुए मशीन के तो उसकी जो दो फिंगर्स हैं उनको डैमेज हो गया इन अदर वर्ड्स टूट गई या काट गई वन डे इन 2005, अब वो अपनी थोड़ी सी स्टोरी बता रहा है हमें कि ये इंसीडेंट कैसे पेश आया और ये इंसीडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या मैसेज देता है और ये इंसिडेंट्स जो केस स्टडी है ये किस तरह ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ रिलेटेड है आई केम टू वर्क एट एट ओ क्लाक एज यूजल एंड वाज टोल्ड आई हैड टू कवर फॉर अनदर एम्प्लॉई आठ बजे मैं रूटीन में एक ऑर्गेनाइजेशन जो उसमें उजाव कर रहा था मैं वहाँ पर जाता हूँ और वहाँ पर मैंने पहले वाले एम्प्लाई को वर्कर को रिप्लेस करना था ये मुझे बताया गया था आई वॉज़ पुट ऑन अ डिफरेंट पैकिंग लाइन टू द वन आई नॉर्मली वर्क ऑन मुझे थोड़ी सी डिफरेंट पैकिंग लाइन दी गई जिसको मैंने काम करना था जैसा कि रूटीन में मैं काम करता था उससे हट के आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम माई सुपरवाइजर कुछ मिनट्स अपने सुपरवाइजर से इंस्ट्रक्शन लेने के बाद आई स्टार्टड वर्क मैंने काम शुरू कर दिया अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इस बंदे ने इंस्ट्रक्शन क्यों ली सुपरवाइजर से अगर ये वर्कर पहले ही काम कर रहा था उसकी रीजन ये थी कि ये कंपेरेटिवली न्यू साइड थी न्यू प्लेस थी न्यू लाइन थी जहाँ पे सुपरवाइजर ने उसको उसके मुतल फेमिलियर किया गाइड किया एजुकेट किया द पैकिंग लाइन लुक्स लाइक वन ऑफ दोज एक्सरे मशीन्स यू पुट योर बिलोंगिंग्स थ्रू इन एन एयरपोर्ट ये तकरीबन उस तरह की एक्सरे मशीन थी जिसके अंदर आप एयरपोर्ट के अंदर चीज़ें डालते हैं वो आगे को ले जाती हैं फिर आप जब वहाँ से स्कैन होकर गुजर जाते हैं आगे से वो चीज़ें लेके आप चले जाते हैं तकरीबन इस तरह की ये एक्सरे मशीन थी इन द फैक्ट्री द प्रोडक्ट इज़ पुट ऑन कन्वेयर बेल्ट एंड विल इनसाइड दी हाउजिंग इज श्रिंक रैप इन प्लास्टिक बिल्कुल ये वैसी मशीन थी लेकिन वो प्लास्टिक के साथ रैप हुई हुई थी द एक्सेस पैकिंग स्लाइसड ऑफ विद टू लार्ज एंड वेरी शार्प ब्लेड्स लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस मशीन के ऊपर बहुत से शार्प टू शार्प ब्लेड लगे हुए थे अब ये जो मशीन थी एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए परचेज की गई थी अब वहाँ पर ये काम होता था अब जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं वो दो तीन हैं कि वो जो शख्स था वो उस मशीन से फेमिलियर नहीं था वो जो शख्स था वो एस ओ पी फॉलो नहीं कर रहा था ये जो शख्स था इसने अपने जो प्रॉपर इसको ग्लव्स पहनने चाहिए या वेयरिंग जैकेट या जो सेफ्टी मेड्यूल्स से एस ओ पीज वो फॉलो करने चाहिए और मुझे यहाँ पे ये भी एक चीज़ फ़ील हो रही है कि वो क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट था वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज़ें डिस्प्ले भी करनी चाहिए कि, कि किस चीज़ को टच करना है किस को टच नहीं करना ये कुछ रीज़न्स हैं और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक पैदा होता है जब उस शख्स ने वहाँ पे अपनी फिंगर रखी हुई थी मशीन के ऊपर तो जिस शख्स ने मशीन को ऑन किया उसको पहले देख लेना चाहिए कि कोई शख्स उस मशीन की तहवील में तो नहीं है यहाँ पे ये दोनों शख्स की मिस्ट्रेट साबित हो रही है आई इंस्टेंटली न्यू समथिंग बैड हैड हैपन मुझे फ़ौरन पता चल गया कि कुछ चीज़ गलत मेरे साथ हो चुकी है आई पुल्ड माई हैंड आउट ऑफ द मशीन एंड लुकड एट माई फिंगर मैंने फौरन अपने हाथ को मशीन के ऊपर से उठाया और अपनी फिंगर्स को उंगलियों को देखा दे वर कवर्ड इन अ ब्लड उनके ऊपर मुकम्मल खून आ चुका था आई कूडेंट सी वट द डैमेज वाज मुझे एग्जैक्ट नहीं पता चला कि मेरा डैमेज हुआ कहाँ पे है एक्सेप्ट आई कुड मेक आउट अ स्मॉल थिन वाइट बोन ऑन द एंड ऑफ माई मिडिल फिंगर सिर्फ मैं ये देख सकता था कि मेरी जो मिडिल फिंगर है उसके एंड पे एक हड्डी है जो बाहर निकल चुकी थी जस्ट अबव द टॉप नकल टू बी अनएस्ट ईमानदारी के साथ मैं बताना चाहता हूँ आई डिडेंट फील मच पेन मुझे को बहुत ज़्यादा पेन उस वक्त नहीं हुई आई जस्ट हेल्ड माई फिंगर्स इन माई राइट हैंड एंड वेंट दी सिंक टू दी वॉश द ब्लड ऑफ मैंने उसको अपने दाएँ हाथ से पकड़ा फिंगर को और मैं वाशरूम चला गया वहाँ पर मैंने उसको जो ब्लड लगा हुआ था फिंगर के अराउंड उसको साफ़ किया आई शोटेड टू सम समय वर्क मेट्स मैंने वहाँ पर शोर किया कि मेरे जो कुलीग्स हैं दोस्त हैं वो आए मेरी मदद के लिए एंड टू ऑफ देम केम अक्रॉस टू हेल्प दो लोग वहाँ पे आए जिन्होंने मेरी मदद की वहाँ पे अब ये जो केस स्टडी है इसकी कास्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो केस स्टडी है इसमें मुख्तफ लोगों की यहाँ पे प्रॉब्लम पेश आ रही है कि उन्होंने एस ओ पीज़ फॉलो नहीं किए जिसमें इम्प्लाई इट्सल्फ़ जो है वो शामिल है उसके अलावा जो उसका सुपरवाइज़र है वो शामिल है इसके अलावा जो एस ओ पीज़ हैं वो शामिल हैं कि उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया इसके अलावा नेगलिजेंस ऑफ वर्क है जब आप मशीन आपको मालूम है कि ये मशीन प्रॉब्लमेटिक है तो वहाँ पे आप क्यों उसमें हाथ दे रहे हैं अब वो जो मशीन है उसके ऊपर कवर क्यों नहीं था जब मशीन को यूज़ किया जाए ऑपरेटिंग कंडीशन में आ जाए उस वक़्त आप उसको, उसको टच ना करें और जिस शख्स ने वहाँ पर मशीन को ऑपरेट किया उसको किसने इंस्ट्रक्शन दी कि मशीन इज़ रेडी टू ऑपरेट अब यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन अराइज़ हो रहे हैं इसका कंक्लूजन ये स्टूडेंट्स ये निकल रहा है कि इस केस में ऑर्गेनाइजेशनल एस ओ पीज़ फॉलो नहीं किए गए अगर ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजियर फॉलो किए जाते तो इस तरह का इंसिडेंट पैदा ना होता अब इसकी वजह से वो बंदे का तो लॉस है ही फिंगर का उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का भी लॉस है एक उसकी रिप्यूट खराब हुई इमेज खराब हुआ केस स्टडी बन गई लोगों ने इस केस स्टडी को स्टडी किया ऑर्गेनाइजेशन का नेम डिस्क्लोज हुआ और उसके अलावा फाइनेंशियल कास्ट अपनी जगह मौजूद है उसको भी हम डिस्कस करने लगे हैं टोटल इंप्लाई कास्ट इन यूरो टोटल इंप्लायर कास्ट फोर्टी नाइन सैलरी कास्ट ऑफ इंजर्ड एम्प्लॉय 1000 मेडिकल एक्सपेंसेस 32059 टू रिट्रेनिंग ऑफ स्टाफ इन मशीन सेफ्टी रिट्रेनिंग ऑफ स्टाफ इन मशीन सेफ्टी 500 हंड्रेड पोस्टल कम्पेन द पर्सनल इंजरी क्लेम्स हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू बी इन द रीजन ऑफ टू लैक ये वो कॉस्ट है यहां पे जो एम्प्लॉय को बियर करना पड़े एम्प्लॉय की कास्ट इसमें यहाँ पे ज़ीरो है लेकिन इट डजन मीन के ज़ीरो है वो जो उसकी फिंगर डैमेज हुई है उसको कंपनसेट करना उस एम्प्लॉय का ख्याल रखना दोबारा रिकवर करना ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यूएबल एसेट बनाना और ऑर्गेनाइजेशन भी उसको रियलाइज़ करवाए कि आपके बगैर ये ऑर्गेनाइजेशन सही काम नहीं कर सकती ये आप ही हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल पर पहुंची है तो ये तमाम काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने चाहिए ताकि आप उस एम्प्लाई को रिटेन रख सकें और एक बात याद रखिएगा अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वो हैं जिनका एम्प्लॉज रिटेंशन रेट हाई होता है जिन ऑर्गेनाइजेशन का इम्प्लाई रिटेंशन रेट हाई होता है वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा सक्सेसफुल काम कर सकते हैं और इस केस स्टडी को अगर कंक्लूड किया जाए तो डी स्टूडेंट्स मैं आपको दो तीन बुलेट्स पॉइंट में ये बताना चाहता हूँ कि इस केस स्टडी में ऑर्गेनाइजेशन ने एस फॉलो नहीं किए जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस और उसका ह्यूमन लॉस आर्गनाइजेशन ने बर्दाश्त किया है